हेलो गाइस, हाँ, आगे हम एक और नई वीडियो के साथ आज के MMM हैशटैग मूवी मैडनेस मंडे इज बैक। तो आज के इस मूवी मैडनेस मंडे में जो दोनों मूवी बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही सिंपल बट इंस्पायरिंग चीज़ को टच करती है, जिसका नाम है ड्रीम्स और पैशन, जो कि हम लोगों के अंदर होता है बट हम भुला देते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, जो कि हमें उन चीज़ों से बड़ी गर्मी लग जाती हैं और हम अपने आप को भूल जाते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, खो देते हैं अपनी पैशन और अपनी ड्रीम्स को। तो पहली मूवी आती है वर्षांग लघु शेषम। पूरी मूवी एक बहुत ही अच्छे चीज़ को फॉलो करती है और शुरुआत कहाँ से होती है, तो एक बच्चा जो अपना रिजल्ट तीसरी बार भी लाता है और वो फिर से फेल हो जाता है, लिटरली फेल हो जाता है। और मूवी के फर्स्ट हाफ में तुम्हें दो चीज़ें पसंद आएंगी, जिसमें से दोनों स्टार्ट होती हैं ऐसे, नहीं बदतमीज़ों वो वाली चीज़ें, लेडीज़ भी नहीं, लाइटनिंग और लव स्टोरी। हाँ, लाइटनिंग जो है ना तुम्हें शॉर्ट्स में तुम्हें समझ आएगी कितनी बढ़िया से करी गई है शॉर्ट्स के बीच में, और यार तो मैं ज़्यादा लाइटनिंग को फॉलो करने लग गया हूँ, मतलब यह चीज़ें आँखों में आ जाती हैं, ऐसा हो गया है कि लाइटनिंग मुझे अच्छी लगी इस मूवी के फर्स्ट हाफ में। और जो वो लव स्टोरी है जो कि तुम्हें समझ आता है कि वो खत से चालू हुई किताब से बात करते हुए, जो कि हमने भी करा है स्कूल टाइम में, अब हम भी बूढ़े हैं क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं, जवान हूँ। और मूवी के फर्स्ट हाफ में तुम्हें एक चीज़ ज़रूर समझ आएगी कि इट्स बिट एज इम्प्रैक्टिकल थिंग बट इट्स सिनेमा, मतलब जो भी इम्प्रैक्टिकल चीज़ें वो सिनेमा इतनी खूबसूरती से तुम्हारे सामने परोसता है कि तुम उसको सच मारने पर मजबूर हो जाते हो। कैसे, जैसे कि एक बच्चा है जिसको अफेक्शन है सिनेमा या आर्ट स्टाइल को लेके, बट उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अच्छा पढ़े, बट वो बच्चा एज ऑलवेज वो नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसका मन ही नहीं लगता उस पढ़ाई में, बट वो जो आर्टिस्टिक फॉर्म है उसमें बहुत अच्छे से अच्छा है, हाँ डायरेक्टर बनना चाहता है, और वो अपने नियरेस्ट जो सिनेमा बनता है वो वहाँ जाना चाहता है, मद्रास जाना चाहता है, और उस टाइम पे बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उनके लिए मूवी डायरेक्ट करना चाहता है, उनके बीच में शामिल होना चाहता है। तो वो एक दिन क्या करता है, एक दिन ऐसे ही झोला उठाता है और निकल जाता है, एक लेटर आता है उसके पास अपने एक दोस्त का, और वो जो दोस्त है वो जो दो तीन महीने में उसको एक बार मिलता है उसका लेटर उसके पास आता है, और वो कहता है कि मैं मद्रास जा रहा हूँ तो मेरे को इस सिनेमा मिली, और वो अपनी क्लास छोड़ के भग जाता है। ये बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज़ है कि मतलब ये तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे दोस्त का जो कि कभी कभार मिलता है तुम्हारे स्कूल फ्रेंड का जो 12th से सीधे तुम्हें एक दिन तुम्हारे फर्स्ट ईयर में मैसेज कर रहा है, और वो तुम्हें कह रहा है कि भाई मैं ना तेरे को इस स्टेशन पे मिलूंगा, मान लो करोलबाग के स्टेशन पे मिलूंगा मेट्रो स्टेशन में, तो मेरे को वहाँ भी वहाँ से हम चलेंगे नोएडा, क्या करने वहाँ पिक्चर डायरेक्ट करूँगा मैं, तो वो गाने बनेंगे ठीक है। बट वो फील जब मूवी में दिखाई जाती है वो चीज़ें सही लगने लग जाती हैं, उस इंसान के अंदर भी सवाल होते हैं कि क्या ये वर्क करेगा, बट अगर तो हम यही सोचते रह जाएंगे कि वो काम करेगा या नहीं, तो शायद से हम वो कदम पहला जो होता है वो कभी उस चीज़ की तरफ लेंगे ही, जो कि सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी सपने को पूरा करने के लिए। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ड्रीम्स टू रियलिटी के बीच में सिर्फ इतना फासला होता है कि जो एक सपने देखने वाला इंसान वो ही पूरा कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई उस सपने को अपना कारोबार बनाना चाहता है वो शायद से उस सपने को पूरा करने में उसको कितनी ही साल लग जाएँ और वो छोड़ के भी चला जाए, ये सच है। बट अगर तुम इस चीज़ को सपना देख रहे हो, या कोई भी इंसान किसी चीज़ का सपना देखता है तो वो उस चीज़ से निस्वार्थ भाव से भी लगा रहेगा कि उसको वो चाहिए, जैसे कि मुझे चीज़ें चाहिए और मैं लगा रहूँगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे आज भी, और शायद से मेरे मरते दम तक मैं यहीं खड़ा रहूँगा। हाँ, और एक सेकंड सोचना पड़ता है फैमिली के लिए, और अपने सपने के ऊपर किसी और का सपना सोचना ही मुश्किल होता है, बट अपने सपने को कुर्बान कर देना किसी और के लिए जो तुम्हारा सबसे करीबी है, ये कुछ नेक्स्ट लेवल लोग ही कर सकते हैं, जो कि तुम्हें समझ आ रहा होगा कितनी डीप चीज़ है ये, देख रहा है देखा कितने डीप है, कुत्ते को भी आवाज़ आ गई। और भाई मूवी देखते देखते ना एक चीज़ सीधे दिल पे लगी जा गई कि ये मद्रास है, यहाँ पर एक्टर ही नहीं एक्टर के बच्चे भी स्टार्स होते हैं, और ये पूरा समुद्र है स्टार्स का, या जो कि तुम सेलिब्रिटीज़ कहते हो उनका। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा लाइव है ये पूरा, मतलब ये वीडियो मैं कभी डिलीट नहीं करूँगा, और ये मेरे को खुद मोटिवेट करेगी कि ये जो समुद्र है जिसकी बात हो रही थी मूवी में, वो एक समुद्र मैं अपनी जन्मभूमि पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ खड़ा करूँगा अपने लिए, ये शर्त लगा कह सकता हूँ, चाहे मेरे को कितना भी टाइम लगे, चाहे मेरे को अपनी लाइफ इसी में निकालनी पड़े, बट मैं करूँगा, लिटरली दिल से बोल रहा हूँ। और इस चीज़ में मेरे को चाहिए तुम सबका सपोर्ट, क्योंकि ग्राउंड लेवल इंसान करने को बहुत कुछ करे बट सपोर्ट जो होता है ना वो कोर चीज़ होती है जो कि उसको चाहिए होती है लोगों को। और एक लाइन है इस मूवी में कि जीने वाले हर एक इंसान, मतलब हर एक इंसान के लिए बनी हुई है दुनिया, बस तुम्हें अपनी वो चीज़ें कलेक्ट करनी है जो तुम चाहते हो इस दुनिया से। जैसे कि मैं करने में लगा हूँ
एक दिन हो जाएंगी और एक दिन तुम्हें अपने अपने दिल का सिनेमा जो मैं चाहता हूँ मैं अपने दिल से निकाल लूँ, जो तुम्हें एक बड़े पर्दे पे या एक सिनेमा जो हम सबका हो, कलेक्टिव हो, वो दिखाना चाहता हूँ, दिखाऊंगा। बाय बंटी प्रॉमिस। और कुछ मूवीज होती है ना जो तुम्हें आखिर में बहुत दिल से अच्छा फील करा के छोड़ जाती है, तुम्हें जिस हालत में होते हो, ये मूवी बिल्कुल वैसे ही फील करके करा के तुम्हें छोड़ जाएगी अपनी सिचुएशन को और तुम बिल्कुल हैप्पी भी जाओगे और मूवी देख के आओगे। तो अगर तुम्हें मूवी देखनी है तो देखो जरूर, क्योंकि मस्ट वॉच मूवी में से है, जो भी मैं सीरीज में बता रहा हूँ वो सारी मूवी मस्ट वॉच में से होती हैं। हाँ, जो भी अगर ख़राब लगता है मुझे, मैं सारी चीज़ें बता देंगी तुम्हें। बट एक आर्टिस्टिक दोस्ती के ऊपर मूवी अगर देखनी है, सपनों को ऊपर रखते हो दोस्तों के साथ साथ, तो हाँ ये तुम्हारे लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये पूरा एपिसोड ही होने वाला है ड्रीम्स और पैशन के बारे में, तो आओ पैशन के बारे में बात करते हैं। तो पैशन, चंदू चैंपियन मैंने देखी थी पिछले हफ्ते, अब मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ क्योंकि सम स्पेसिफिक रीजंस, वो कभी बाद में बताएंगे। बट चंदू चैंपियन एज अ मूवी कैसी है, अब इस पर मैं बहुत लंबी बात करने वाला हूँ, तो बस रुके रहो। ये रास्ता का है वो जो सीरीज ने थीना कार्तिक के अंदर, वो मैंने शायद से अभी तक मूवीज में बहुत कम देखी उसकी। तो मूवी स्टार्ट होती है एक बंदे के पैशन से, एक बच्चे की आँख में जो वो पैशन चला जाता है लिटरली, मतलब वो जो वो बच्चा है वो सपना वो जो देखता है उस बंदे का अपनी आंखों में, कि अब मेरे को भी ऐसा कुछ करना है ताकि मेरे को भी वो रिस्पेक्ट मिले। सबका वही होता है शुरुआत में, तो वो रिस्पेक्ट हासिल करनी होती है। और जो टाइटल रिवील होता है चंदू चैंपियन का, बहुत सही टाइम पे होता है क्योंकि वो दंगल पहले जीता होता है, और वो जो रिविलेशन होता है टाइटल का, वो तो मैं फील लेता है कि हाँ अब ये कहीं स्टेक्स हाई जाने वाले हैं। जो अपना मुरली है वो अपने गांव से भागता जा रहा है बच के, क्योंकि उसने दंगल में एक इंसान को हरा दिया जो पहली बार उससे लड़ने आया था, जो क्योंकि वो खुद भी लड़ने आया था पहली बार। तो वो जब वो जीत चुका है, वो अपने गांव से भाग रहा है, एक ट्रेन में जाता है, और ट्रेन में उसको एक चीज़ पता चलती है कि वो अपने घर तो वापस जा नहीं सकता, और जो अब उसके पास रास्ता है, उसके पास एक रास्ता खुल चुका है कि वो आर्मी में सिलेक्ट हो सकता है और ओलंपिक का जो सपना है उसका वो पूरा कर सकता है। वो जैसे कि किसी की हंसी सुनता है उसके सपने को लेके, तो वो बन जाता है वापस अपने शेर वाले कैरेक्टर में वापस। तो इसी शेर को देखते हुए ओलंपिक्स की जो तैयारी हो रही होती है आर्मी में, उसी में वो जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है सर टाइगर सर को, कि मुझे भी ओलंपिक के लिए खेलना, और मैं पहले अखाड़े में कुश्ती करता था, अब मेरे को आप कोई भी काम कर दो, बॉक्सिंग खिला दो प्लीज़ कोई भी काम करो पर बॉक्सिंग खिलाओ। तो जो टाइगर सर हैं वो इच्छा तो रखते हैं, और वो शर्त पूरी कर देता है अपना जूनियर टाइगर, क्योंकि हाँ टाइगर सर अपना नाम देते हैं बच्चे को। सोच रहे हो कि तुम्हारा टीचर अपना नाम दे दे तुम्हें, ऑनर है भाई बहुत ज़्यादा। जब वो अच्छा खेलने लग जाता है, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तो वो 1985 के मिलिट्री गेम्स में जाता है, पार्टिसिपेट करता है, और उसको जब रियलिटी पता चलती है, क्योंकि पहली बार चकाचौंध आँखों में लगी होती है, और जब उसको रियलिटी पता चलती है अपनी क्रश और कोच के बीच में डिफरेंस क्या है, कितना बड़ा है, कि वो बस उसको यूज़ कर रही थी सिर्फ व्यूज़ के लिए, जैसे कि आजकल के यूट्यूबर्स, मैं खुद भी कह रहा हूँ खुद को तो यूट्यूबर्स करते हैं वो, मान लो या बिग बॉस बहुत अच्छा है उदाहरण है उसकी क्रश की तरह, कि वो जब तक ही तुम्हारे को सम देखते हैं जब तक तुम्हारे पास व्यूज हैं, जैसे तुम्हें व्यूज गए बस। और वो जब सीन होता ना, एयर स्ट्राइक हो रही थी कश्मीर पे, तब एक थॉट मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा गलत ही हिट करा, कि जो वॉर्स होती हैं वो इंसान को नहीं मारती, अगर देखा जाए तो वो सपनों को मारती हैं, जो सपने जिन लोगों ने अपनी आँखों में बसाए होते हैं जन्म की शुरुआत से, वो उन सपनों को पूरा मार देती है, जो कि शायद से हमें फ्यूचर कुछ बहुत ही बड़े दिग्गज देख सकते थे किसी भी कैटेगरी में, बट वो नहीं रहे क्योंकि वो वॉर में थे। और फिर जब उसकी फैमिली उससे मिलने आती है, उसके बाद जब उसे फैमिली का पेन पता चलता है कि जो उसका भाई है जिसने उसको सपने या पैशन फॉलो करना सिखाया, उसने पैशन की नींव रखी उसके अंदर, वो याद उसको संभालने से मना कर रहा है क्योंकि उसकी फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो उसको संभाल पाए। और एक बहुत ही सिंबॉलिक चीज़, जैसे कि तुम्हें जैसे ही चंदू चैंपियन का नेम रिवील होता है, जो उससे पहले जो वो होता है ना मूव देता है दंगल में, वो उसको पीठ पे उठा के और फिर पटकी देता है, वो सेम ही होता है जब दूसरा हाफ शुरू हो रहा होता है ना मूवी का, तो अपना जो दारा सिंह का कैरेक्टर है जो कि जिसका चेहरा नहीं दिखाया ऑब्वियस रीजन, वो उस सेम ही मूव कर रहे होते हैं ताकि तुम समझ पाओगे जो हीरो है, अपना हीरो है, वो अपने वो खुद नहीं कर सकता वो, पर उसके आइडियल जो हैं वो उसके लिए वही मूव कर रहे हैं, और एक नई शुरुआत है अब उसके लिए, शुरुआत है ज़िंदगी की। और जब उसे पता चलता है कि भाई इन लोगों ने जो ये कमेटी मेंबर को मैंने इंस्पायर किया, वो इंस्पायर हो गए और उन्होंने मेरा नाम सिलेक्ट कर लिया है और मेरे को लीडर बना दिया, कि भाई इंडिया से ये बंदा तो जा ही रहा है, ठीक है
और वो जब उसको पता चलता है, उसके कोच बताते हैं, टाइगर सर बताते हैं, तो वो जो पानी में स्विमिंग करते करते एकदम से डूब जाता है, तो दिखाया जाता है कि वो अपने सपने में मशरूफ हो गया है, वो डूब चुका है पैशन में अपने। और जो लास्ट एक्ट है मूवी का वो तुम्हें इमोशनल कर देगा, मतलब वो बहुत ही अच्छे से लिखा गया है और एक्ट डायरेक्ट किया गया है। तुम सोचो जब वो लास्ट स्विम कर रहा है, वो बहुत पीछे होता है मुरलीकांत कैरेक्टर का, मुरली सर का कैरेक्टर, बट जैसे ही वो धीरे धीरे फिनिश के करीब आता है तो उसको अपना पूरा पास दिखता है जो उसने जिया है, उसने गोली खाई, उसने अपने दोस्त खोए, उसने दोस्त बनाए इसी जर्नी में, और उसने एक संघर्ष की जो परिभाषा है उसको अपने हिसाब से नया लिखा है पूरा, ठीक है। जो लोग हार जाते हैं वहाँ से उसने चालू करा अपने जीत को, और लास्ट में दिखाया जाता है कि बोथ टाइगर विंस, जूनियर टाइगर और सीनियर टाइगर और सब जूनियर टाइगर अभी चल रहा है। एक दिन तुम्हें अपना सिनेमा दिखाऊंगा, तब शायद से मैं भी जीत जाऊँ। तब तक के लिए अभी तो यही है, अभी यही जर्नी फॉलो करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजरों से दुरुस्त रहना, और मिलते रहना मेरे साथ, ताकि तुम्हें बताता रहूँ चीज़ें सिनेमा से रिलेटेड। चलो मिलता हूँ, बाय बाय।